तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, एथेरियम के प्राइस के बारे में और डॉज कॉइन के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिछले मैंने दो वीडियो डाले थे डॉज कॉइन के बारे में, जिसमें मैंने बोला था साफ साफ कि प्राइस में बेयरिश सिम्टम जनरेट हो रहे हैं, प्राइस नीचे डाउन आ सकता है। आप लोग SNL के चक्कर में फंसे हुए थे, 8 मई को कुछ हो जाएगा नया। मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ पर प्राइस में सिम्टम है, क्योंकि मैंने एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट करने की कोशिश की थी। और अगर यहाँ पर डॉजी कॉइन का प्राइस देखोगे तो 45 सेंट, कल मैंने जब अपडेट की थी 70 सेंट के आसपास था। ठीक है, वहाँ पर जब देखो इसको ऊपर जाना था, जब भी मैंने अपडेट किया था तो प्राइस ऊपर गया था। वहाँ पर जब बेयरिश सिम्टम जनरेट हुआ तो मैंने पहले से आप लोगों को आगाह करने की कोशिश की। अब जिन लोगों ने उस वीडियो को देखकर फॉलो किया होगा तो वहाँ पर वो काफ़ी बड़े लॉस से बच गए होंगे, या फ्यूचर में जिस बंदे ने शॉर्ट किया होगा तो वो भी वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए होंगे। तो चलो यहाँ से दोस्तों चलते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। तो आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एथेरियम के प्राइस में कुछ गिरावट हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 44.9 डोमिनेंस है BTC और एथेरियम की 18.5 के आसपास है। और अगर यहाँ पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 2.3 ट्रिलियन $ के आसपास यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ सिम्टम मुझे ऐसा जनरेट हो रहा है BTC की डोमिनेंस में, कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि BTC की डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर BTC की डोमिनेंस अगर ऊपर जाती तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी जिसमें BTC को डोमिनेंस को लेकर एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करके एथेरियम के प्राइस को जज किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एथेरियम के प्राइस में कुछ गिरावट हो सकती है। तो चलो यहाँ से चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर बिटकॉइन, एथेरियम और डॉज कॉइन के प्राइस की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने ही YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में, चैनल जो कि टोटली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं BTC USDT के चार्ट पर हैं और वन डे का चार्ट है। और यहाँ पर मैंने एज इट इज़ वही सेटअप है जो मैंने पहले वहाँ पर आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि प्राइस ने इस हाई को नहीं टेस्ट किया और यहाँ तक इतना एक हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे घूमने की कोशिश कर रहा है। देखो, यहाँ पर मुझे कुछ बेयरिश सिम्टम लग रहा है, क्योंकि मैंने ये जो चैनल आपके सामने यहाँ पर बनाकर दिखाया था, तो ये चैनल मैंने बोला था ना कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये जब दो पॉइंट बने तभी मैंने चैनल बनाया था। तो प्राइस देखा होगा आपने इस चैनल को, रिस्पेक्ट करके ऊपर गया और एज इट इज़ उसी चैनल के यहाँ पर अगर आप चार्ट को बड़ा करके देखोगे तो ऊपर ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके प्राइस नीचे के साइड आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस में कुछ डाउन मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम चलते हैं 4 आवर्स पर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ठीक ठाक तरीके से ये ऊपर गया, यहाँ से गिर के इस तरीके से आया था। तो यहाँ पर इसने एक बॉटम लगाया, बॉटम के बाद एक यहाँ पर एक ऊपर अपसाइड मूवमेंट लगाया और प्राइस आपको दिख रहा है कि डाउन आता हुआ। तो यहाँ पर 56,550 के आसपास प्राइस है। तो यहाँ से प्राइस अगर देखो आज से कल तक में 52,700 के आसपास आपको दिखाई पड़ सकता है ईजिली। अगर 52,700 को ब्रेक करता है तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करेगा जो कि ये फॉलिंग चैनल यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि फॉलिंग चैनल यहाँ पर बन रहा है, ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने थोड़ा सा शेयरिंग करा इसको। तो यहाँ से पहला टारगेट ये होगा कि अगर डाउन आता है तो 52,704 उसके बाद यहाँ तक दिखा सकता है प्राइस आपको। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों एथेरियम के प्राइस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एथेरियम USDT का पेयर है, 4 आवर्स का चार्ट है। और यहाँ पर प्राइस ने देखिए अच्छा खासा एक राइस किया था बहुत ही ज़बरदस्त तरह से ऊपर, लेकिन इस पॉइंट से मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे टूट सकता है। टूटेगा तो दोस्तों ये 3600 यानी कि 3590 तक, 3590 तक पहला टारगेट दिखाएगा और दूसरा इसका सपोर्ट लेवल होगा 3200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देख समझ के अगर ट्रेडिंग करनी है, अगर जो बंदे यहाँ पर एथेरियम में होल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप एथेरियम को रखे हो तो वेल एंड गुड, आप रखे रहो। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा राइज कर चुका है प्राइस कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इसने अपने नए हाई को जो क्रिएट किया है वो लगभग यहाँ पर लगभग $4,000 के आसपास था। और मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि 3200 का टारगेट दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने वहाँ पर उस वीडियो में कहा भी था कि अगर 3200 को ब्रेक करता है तो 4000 ईजिली आपको दिखाएगा। तो आपने देख सकते हैं कि 4000 इसने यहाँ पर एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको हिट किया जाकर।
अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं, मैं फिर एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं अपडेट में इस पॉइंट से। एक बेयरिश सिम्टम जनरेट है इसमें और प्राइस अभी आप देख रहे हो कि नीचे ही आ रहा है। और पहला टारगेट होगा, मतलब पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 3586 और दूसरा सपोर्ट होगा इसका 3212। तो यहाँ पर आप ये दो टारगेट ध्यान रखना, यहाँ तक प्राइस आता है उसके बाद हम ऊपर देखने की बात करेंगे कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों तीसरे क्रिप्टो टोकन की तरफ जिसका नाम है डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन की मैंने लगातार अपडेट इसीलिए की थी दोस्तों कि आप लोग उसमें किसी की बातों में आकर वहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिल भी रहा है उसको भी आप ना छोड़ देना, या आपका जो अगर टॉप पे बाई आपने कर लिया है तो आप थोड़ा सा वहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक बेयरिश सिम्टम था और टेक्निकल एनालिसिस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो ज़रूर वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉज कॉइन को 4 आवर्स का चार्ट है, और डॉज कॉइन को जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था पिछले वीडियो में कि बेसिकली एक ऊपर की ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस खा रहा है, और यहाँ पर इसने खाया 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर फिर यहाँ पर। तो यहाँ से इस पॉइंट पर मैंने बताया था इस पॉइंट पर कि बेयरिश सिम्टम बन रहा है। हालांकि उस वीडियो को मेरा पिछला जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें भी बोला था प्राइस उस वक्त 70 सेंट के आसपास था, उससे पहले भी मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो डाला था उस पर भी बोला था कि प्राइस में थोड़ा सा सिम्टम बेयरिश है तो प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो बड़े जैसे कि अंधभक्त हैं डॉज कॉइन के, तो उन्होंने वीडियो पर कमेंट किए, काफ़ी कमेंट मैंने खुद डिलीट किए थे क्योंकि वो पब्लिश करने वाले नहीं थे। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी उल्टा सीधा बोला कि ऐसा वैसा जो भी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो बताऊँगा सही बताऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ पर ये तो है नहीं कि आपका दिल रखने के लिए अगर आपने डॉज को यहाँ पर बाई कर लिया तो आपका दिल रखने के लिए मैं बोल दूँ यहाँ प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों एम पैटर्न जनरेट हुआ था उसकी वजह भी बता देता हूँ, और प्राइस ने अपने की लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे चला गया है। और जो मैंने सपोर्ट दिया था अगर आप उस वीडियो को जाकर देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 46 पर, मैंने बताया था कि 46 तक प्राइस जा सकता है उसके भी थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर आप देखो कि 44-46 के एरिया में ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये ब्रेक करता है ये एरिया ब्रेक करता है तो इसके प्राइस में और भी गिरावट हो सकती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई डॉज की अपडेट। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डॉज पे जब भी एंट्री बनेगी तो मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, ज़रूर 1 आवर के चार्ट पे भी इसको देख लेता हूँ। तो अभी मुझे ऐसा कोई यहाँ पर सिम्टम जनरेट होता दिख नहीं रहा है कि जिसके ज़रिए यहाँ पर RSI भी देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट पर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, लेकिन कोई बुलिश सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लें डॉज में, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ अगर यहाँ पर बनती है डॉज में कि प्राइस ऊपर जाना होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पर डॉज कॉइन में कोई नई एंट्री ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो दोस्तों, मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।